वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेरे सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास जारी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आला अस्करी सिविल क़यादत की शिरकत, ऑडियो लीक समेत सलामती अमूर के मामलात पर मुशावरत, सरहदों की सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती इंतहा पसंदी पर गौर। और आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेरे सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास जारी है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आला अस्करी सिविल क़यादत की शिरकत, ऑडियो लीक समेत सलामती अमूर के मामलात पर भी मुशावरत, सरहदों की सूरत हाल पर भी गौर किया जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती इंतहा पसंदी पर भी गौर किया जा रहा है। तो वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास जारी है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे जावेद हुसैन से। जी बताइएगा, किन अमूर पर बातचीत जारी है? जी देखें, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में जारी है, जिसमें सिविल और अस्करी क़यादत इस वक्त शरीक है। और इसमें जो ज़राए हैं उन्होंने बताया है कि अस्करी क़यादत की जानिब से जो सरहदी अमूर हैं और वहाँ पर जो मामलात हैं उससे मुतालिक कमेटी को ब्रीफ किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ जो ज़राए हैं उन्होंने बताया कि आज का जो एजेंडा है उसमें जो वीडियो लीक्स वाला मामला है इसको भी कौमी सलामती के तनाजुर में देखा जाएगा और अब तक की होने वाली जो तहकीकात हैं उस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। तो इस हवाले से जो कौमी सलामती के मामला, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा का मामला, जिसमें दहशतगर्दी के हालिया वाकयात या वहाँ पर जो जो एक्टिविटीज सामने आई हैं उस हवाले से भी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। और DGMO जो है ज़राए ने बताया कि उन्होंने भी ब्रीफिंग दी है कमेटी में, और कमेटी से मुतालिक ये बताया गया है कि जो फैसले होंगे उससे मुतालिक एक इस्लामिया भी जारी किया जाएगा। जी जी बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन, आपने अपडेट किया।